आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं सीए कपिल जैन जी, जो आज हमें एक जजमेंट और एक सेक्शन नंबर 74 के नोटिस के ऊपर हमें कुछ बात बताने वाले हैं। अभी रिसेंटली एक नोटिस सेक्शन नंबर 74 में इशू हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से। क्या था उस नोटिस में वो तो हमें सर बताएंगे, लेकिन उसके ऊपर के हाइलाइट्स मैं आपको दूं, 21,000 करोड़ का नोटिस था वो। 21,000 करोड़ की डिमांड थी उसके अंदर कि भाई हम 21,000 करोड़ की रिकवरी करनी है। पर क्या था सर उस नोटिस में ऐसा कि क्यों वो 21,000? क्योंकि जीएसटी की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है सर कि 21,000 करोड़ का नोटिस। तो ऐसा क्या था और क्यों आया वो नोटिस, और क्या ये नोटिस आना सही था? डिपार्टमेंट को ऐसा नोटिस भेजना चाहिए था क्या? ये 74 के हिसाब से सही है या फिर ये किसी और प्रोविजन के हिसाब से ये नोटिस भेजना सही था? देखो पारस, मैं आपको बताता हूँ, जब डिपार्टमेंट नोटिस भेजता है ना, तो कई बार तो ये लोग जो नोटिस भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे भेज रहे हैं, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है नोटिस या कोई आदमी जनरेट कर रहा है, नहीं पता। क्योंकि जब कंप्यूटर अगर जनरेट कर रहा है तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग सही नहीं है। वो 00 के नोटिस आ रहे हैं, 50 पैसे का नोटिस आ रहा है, 1 रुपये का नोटिस आ रहा है, किसी केस में 99C एप्लीकेबल नहीं है, उनसे कंपैरिजन किया जा रहा है, और सारे नोटिसेस का ना लगभग फॉर्मेट सेम ही आ रहा है। तो इसी तरीके का जो एक नोटिस इशू किया गया था सितंबर 2022 में, ठीक है ना, और कंपनी को क्या बोला गया कि भाई तुम इतने रुपए जमा करा दो। जब मैंने इसे पढ़ने की कोशिश करी ना, जैसे हम पढ़ते हैं इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, मैं तो थक गया यहाँ पे, किसके बाद क्या पढ़ूँ। फिर बाद में मैंने शॉर्ट में ही पढ़ लिया कि भाई ये 21,000 करोड़ का नोटिस है। अब अगर किसी कंपनी को ये नोटिस जाएगा वो तो पागल हो जाएगी, बिल्कुल, ठीक है ना, हो सकता है हार्ट अटैक भी आ जाए, ठीक है। अब मैटर समझो हुआ गया था, ठीक है ना, क्योंकि कई बार जब ये लोग नोटिस भेजते हैं इन सारी चीज़ों को नहीं समझते। एक गेम होता है, मान लो ऑनलाइन गेम है रम्मी, ठीक है, मान लो एक ऑनलाइन रम्मी गेम है। इसमें क्या होता है कि भाई एक कंपनी ने प्लेटफॉर्म बनाया कि भाई चलो कोविड चल रहा है, तुम किसी के यहाँ जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कहीं पर ताश खेलोगे लोग बाग तुम्हें जुआरी समझेंगे, ऑनलाइन कर लो। तो इन्होंने क्या करा, ऑनलाइन कर लिया। ऑनलाइन पारस क्या हुआ, इधर से तुम ज्वाइन हो गए और इधर से कपिल जैन ज्वाइन हो गया, ठीक है, कि भाई चलो दोनों लोग रम्मी खेल लो। तो जब रम्मी खेलने लगे तो इन्होंने क्या कहा, पारस 200 रुपये जमा करो, तुमने जमा कर दी। कपिल जैन से भी बोला कि भाई तुम भी 200 रुपये जमा करो, मैंने भी 200 रुपये जमा कर दिए। तो अब कंपनी के पास कितने रुपये आ गए, 400 रुपये, 400 रुपये कंपनी के पास आ गए। कंपनी ने कहा भाई 400 रुपये मैंने रिसीव तो कर लिए हैं, लेकिन चूंकि क्या है कि इस गेम में जो भी रम्मी में जीतेगा, ठीक है ना, उसे पैसे दे दिए जाएंगे। तो इन्होंने क्या करा कि मान लो पारस तुम वो गेम जीत गए, अब जब जैसे ही तुम ये गेम जीत जाते हो तो हमारे हिंदुस्तान में नियम ये लिखा हुआ है कि भाई इसे जुआ समझे, इसे बैट लिखे, और तुमने कहा कि मैं तो जीत गया जुए में, ठीक है, कितने रुपए, 400, भाई 200 तो तुम्हारे जो तुम्हारे डाले थे वो मिल जाएंगे, और जो आपके वाले मिल जाएंगे, 200 मेरे वाले मिल जाएंगे। अगर ये गेम तुम और मैं साथ में बैठ के खेलते कहीं रोड पे तो यही होता, 400 मिलते। लेकिन मैंने कहा भाई तुम्हें मैंने सम्मानजनक जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, जैसे कि क्या कहते हैं किसी क्लब में जाते हैं वो भी तो जगह देता है। तो ये कहती है कंपनी कि भाई साहब मैं तो 10% तो पहले अपने रख लूंगी, 400 में से 10% कितने रख लूंगी अपने, 40 रुपए अपने पास रख लूंगी, और पारस तुम्हें 360 रुपए दूंगी। तो ये इनका कमीशन हो जाएगा 40 रुपए, 40 रुपए इनकी एक सर्विस फीस हो गई कि भाई तुमने मेरा प्लेटफॉर्म यूज करा, बात खत्म, मेरी सर्विस फीस 40 रुपए आप दे दो। और ये कंपनी क्या कर रही थी, इस 40 रुपए पे GST पे किए जा रही थी, कितने परसेंट से, 18%। जैसे मान लो मेरा लक्ष्मी नगर में ऑफिस है तो खाली रहता है, मैंने बुला दिया कि भाई यहाँ पर आकर कोई भी ताश खेल सकता है, लेकिन एंट्री फीस है कि 20-20 रुपये एंट्री फीस तुम्हें देनी पड़ेगी। तो दो लोग आएगा, उन्होंने खेली, 40 रुपये दे दिए, अब कोई हारे कोई जीते मुझे मतलब नहीं, जो जीतेगा उसे 360 मिलेगा। अब डिपार्टमेंट का क्या कहना था, डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि भाई इसकी जो वैल्यूएशन करेंगे, इसकी जो वैल्यूएशन करेंगे रूल 31 में करेंगे, 31A में। अब रूल 31A किस पे लगता है, रूल 31 लगता है लॉटरी के केस में, ठीक है ना, बैटिंग के केस में, गैम्बलिंग के केस में, हॉर्स रेसिंग में। तो डिपार्टमेंट का कहना यह था कि भाई ये बैटिंग है तो हम इस रूल के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे और 400 रुपये पे GST लेंगे, और 400 रुपये पे कितना GST लेंगे, 28% के। अब कंपनी कह रही है भाई साहब 400 रुपये पे GST कैसे लोगे,
पहली बात तो ये क्या है, ये जो गेम है ये बैटिंग नहीं है। अब उन्होंने कहा जीएसटी डिपार्टमेंट वालों ने, भाई साहब बैटिंग की तो हम तो बचपन से सुनते हैं जुआ खेलना बुरी बात है, ताश जुआ होता है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम समझे नहीं कि ये जो रम्मी का गेम है, जब ताश खेलते हो तो इसमें एक स्किल लगती है, इसके अंदर माइंड लगता है। तो जब ये स्किल और माइंड का गेम है तो ये बैटिंग नहीं हुआ। तो इन्होंने बोला जैसे शतरंज एक गेम है, ठीक है एग्जाम्पल समझ लो, तो इसी तरीके से गेम है, तो हम 40 रुपए के ऊपर ही जीएसटी देंगे, बात खत्म। और हमारी वैल्यूएशन रूल 31A के हिसाब से नहीं होगी। तो कर्नाटका हाई कोर्ट को भी लगा कि हाँ यार बात तो सही है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई साहब इतनी पेनल्टी इन पे नहीं लगेगी, जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो आप 400 रुपए पे 28% जीएसटी नहीं लोगे। तो ये मैटर था। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये वाला जो ऑर्डर दिया है ये किसके फेवर में दिया है, एसएससी के फेवर में दिया है। और जो हमारी मैगजीन आ रही है ना पारस, इसके अंदर इसका कंप्लीट एनालिसिस है, ठीक है ना। तो अब इस वाले केस को आप अपनी प्रैक्टिस में कैसे यूज कर सकते हो। मान लो आपको कोई नोटिस आ गया, पेनल्टी लग के आ गया, वो कहेगा जी ये तो ठीक है, तो तुम बोल लो कि भाई सही तो वो भी था जो 21,000 करोड़ का नोटिस तुमने दिया था, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट ने तो मना कर दिया ना कि नहीं। तो आप इस तरह की जजमेंट जो कि डिपार्टमेंट के खिलाफ है, वो आप अपनी जो अपनी वर्किंग है, ठीक है अपना रिप्लाई दे रहे हो, अपील कर रहे हो, तो उसमें ये सारी चीजें लगा सकते हो, उसे पूरे फैक्ट बता सकते हो। समझ आई ये वाली चीज, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बोला कि दिस इज ए गेम ऑफ स्किल, ठीक है ना, और ये बैटिंग वगैरह वाला गेम नहीं है। पूरी जजमेंट आप हमारी मैगजीन से पढ़ सकते हो, इस बार की मैगजीन में दिया। पारस इसमें और कुछ जानना चाहते हो तो बताओ आप। सर इसमें एक बार आप सप्लाई के हिसाब से भी इसको कनेक्ट कीजिए कि क्यों इसको सप्लाई से सप्लाई में कवर नहीं किया गया, क्यों ये सिर्फ 40 रुपए पे लगा रहे हैं, 400 रुपए को क्यों सप्लाई पे कंसीडर नहीं कर रहे। देखो इसके लिए क्या है ना, जो 400 रुपए और 40 रुपए की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको शेड्यूल 1, 2, 3 पढ़ना पड़ेगा जिसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है ना। अगर मैं इनकी बात बोलूँ तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट हेल्ड एट द मीनिंग ऑफ टर्म लॉटरी बैटिंग एंड गैम्बलिंग एज इन एंट्री 6 ऑफ द शेड्यूल 3 ऑफ द सीजेएक्ट डू नॉट इंक्लूड्स गेम ऑफ स्किल, कि भाई इस वाले गेमों में जो स्किल का गेम है हम उसे इंक्लूड नहीं करते। तो ये एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन से बाहर है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि सिर्फ आप सर्विस चार्ज पे पैसा लगाओ, ये कोई ये बिल्कुल डिफरेंट है हॉर्स रेसिंग की तरह। क्योंकि जो रम्मी का गेम होता है ना, अगर आप खेला कभी आपने, नहीं मैंने नहीं खेला, नहीं तो कभी खेलना। उसमें क्या होता है कि रम्मी खेल रहे हैं, हाँ। तो ये जुआ नहीं है, वो स्किल है एक व्यक्ति की, कि भाई जो खेल रहा है उसी की स्किल है। जबकि जो बैटिंग वाला गेम हो गया उसमें स्किल कुछ है ही नहीं, घोड़े कोई दौड़ा रहा है, घोड़ा किसी का है, तुम तो पैसा लगा रहे हो। इस वाले गेम में क्या है, तुम गेम अपने से ही खुद ही खेल रहे हो, तो इसलिए इसे स्किल बोला गया। तो सर अगर हम इस वाली जजमेंट को देखकर बात करें तो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब हम ताश की बात कर रहे हैं यहाँ पर जी जी। लेकिन ऐसा तो काफ़ी होता है जैसे लोग फेस्टिवल्स वगैरह के मौके पे ताश खेलते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो क्या सारा का सारा गेम्स ऑफ स्किल्स में कवर हो जाएगा। अरे नहीं अब तुम्हें ताश अब तुम पूरी ताश की नॉलेज ले रहे हो भाई। 52 पत्तों में बहुत सारे गेम होते हैं। एक होता है गेम कि चलो भाई तुम मांग पत्ता, तू क्या पत्ता मांग रहा, उसमें स्किल क्या, उसमें तो लक है कि पत्ता बाहर आ गया तो तू जीत गया, पत्ता अंदर आ गया तो तू हार गया। लेकिन ये जो रम्मी गेम है उसमें स्किल लगती है, उसमें दिमाग लगता है। सर ये गेम्स ऑफ स्किल और गेम्स ऑफ चांस को ये कहीं प्रूफ किया गया है क्या, कि यहाँ पर तो इन्होंने कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि ये हाँ ये गेम्स ऑफ स्किल्स में कंसीडर होगा और इसको जो है सप्लाई के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। लेकिन क्या हम इसमें कोई डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कहीं रिटर्न नहीं, रिटर्न देखो ऐसा मुझे नहीं पता रिटर्न कहाँ लिखा, लेकिन मैंने तो दोनों गेम में तुम्हें अंतर बता दिया। हाँ नहीं वो समझ प्रैक्टिकली समझ में आ गया कि आपने मेहनत करी है, आपने एफर्ट्स डाले हैं तो वो आपका गेम ऑफ स्किल्स है, और अगर आपने बस लगा दिया कि जो होगा वो लक के ऊपर है, वो चांस के ऊपर है। तुम समझो मैं और तुम चेस खेल रहे तो यहाँ पर एक स्किल लगी हुई है, लेकिन मैं और तुम खेल रहे हैं, अब वैशाली और सोनू बैट लगा रहे कि बताओ कौन जीतेगा, तो वो चांस की गेम है, वो चांस की गेम हो गई उनकी, लेकिन हमारे लिए तो स्किल है ना, हमारे लिए तो स्किल है बिल्कुल सही। तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखनी है, ये चीजें आपको समझनी होती है। हाँ तो बहुत ही बढ़िया इस पर डिस्कशन रहा कि जो है ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है गेम्स ऑफ स्किल्स का, और बैटिंग गैम्बलिंग को और
कैसे रमी को इससे डिफ्रेंशिएट किया गया बेटिंग गैम्बलिंग से और जो है लॉटरी से, क्योंकि उसमें तो प्योर टैक्सेशन है रूल 31A के हिसाब से, और हम इसको डिफ्रेंशिएट करके बोल रहे हैं कि नहीं इसमें सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म फी है और प्लेटफॉर्म फी पे, और आप देखिए कि इस पे टैक्सेशन का रेट भी डिफरेंट है। 31A पे 28% के हिसाब से डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपको यहाँ पे टैक्स लगना है, लेकिन जो इन्होंने कहा है हमारे पेटिशनर ने ये कहा है कि नहीं आपका 18% ही लगेगा, और कोर्ट ने भी इनके फेवर में ही इसको डिसाइड किया। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट केस लॉ है हमारे लिए, प्रैक्टिकल चीज के लिए। मैं आपको रमी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये वाला जजमेंट। लेकिन मैं ये कह दूं, पता चले इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आप घर पे जाके रम्मी खेलने लग जाए कि स्किल बढ़ेगी, भाई ऐसा मत करना। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो है हम स्किल्स के लिए, हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं, और आपको अपनी स्किल्स और नॉलेज बढ़ानी है तो केजे क्लासेस का यूट्यूब चैनल है आपके लिए, और उसके बाद हमारे और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ा सकते हैं। अभी मंडे से हमने एक कोर्स शुरू कर दिया है, वो मंडे से लेकर 10 दिन तक चलेगा, शाम को 7 से 9। उसमें ITR और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की बातें करेंगे, पूरा कोर्स लाइव है, 10 दिन का कोर्स है। ये तो और भी बहुत बढ़िया बात हो गई कि अब ITR का सीजन आ गया है, और ITR के सीजन में मतलब जब जून और जुलाई में लग के ITR फाइलिंग करते हैं, और एकदम स्टार्टिंग में एक 10 दिन का रिफ्रेशर कोर्स आ जाएगा जिसमें हमने पिछले साल जो किया है, मतलब पिछले साल आपने जल्दबाजी में रिटर्न्स फाइल करी होंगी, हमें पता है आपने जल्दबाजी में रिटर्न फाइल करी होंगी, और लेकिन उस चीज़ को रिफ्रेश करने के लिए कि क्या हुआ होगा, कैसे होना है, और क्या एक्चुअल चीज़ें हैं जिसमें आपके क्लाइंट्स के नोटिस नहीं आएंगे, तो आपको वो चीज़ें समझनी है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे पहला पॉइंट आता है, कौन सी ITR भरें, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जिसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो वो सब इस कोर्स क्योंकि जुलाई में आपको टाइम नहीं मिलेगा सीखने का, ये सब सीखने का टाइम अभी ही है कि अब इसको जो है अभी सीख लो और इसको कवर अप कर लो कि हमें समझ लेना है कैसे ITR फाइलिंग होगी। अगर आपको कॉन्फिडेंस है तब भी एक बार और कोर्स समझने में क्या जा रहा है, एक बार आप रिफ्रेश हो जाएंगे, हाँ तो रिवाइज हो जाएगा। तो रिवीजन के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कोई नई चीज भी निकल के आ सकती है। हो सकता है कि आप जो आप इस सर इसकी फीस कितनी है, मात्र 3500 रुपए। इसमें क्या है, 3500 रुपए है, उसके प्लस में GST है, तो फीस 3500 रुपए देकर आप 35,000 का क्लाइंट बना सकते हैं अपना, तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, आप इसके पर्सपेक्टिव में इसको समझ सकते हैं। और बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद, और कपिल सर आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।